राधे राधे, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है आज ट्यूसडे का और तारीख है आज 4 जून, मतलब शाम से मैंने अपना ये व्लॉग स्टार्ट किया है। जो सुबह का व्लॉग है मैंने आप लोगों से शेयर किया था, और उसके बाद मतलब शाम से ये मेरा मतलब व्लॉग है जो मैंने स्टार्ट किया। और इस टाइम टाइमिंग हो चुकी थी शाम के बजे हुए थे, 5 बजे हुए थे। और यहाँ पे चाय वगैरह हमने जैसे पी ली थी, और उसके बाद थोड़े से बर्तन वगैरह थे, तो माँ बैठी थी घर पे, तो पापा जी मैंने बताया था आप लोगों को गए हुए, तो वो शाम को ही आएंगे। तो आज मतलब पूरा दिन हम जैसे घर पे ही थे, हम दोनों ही थे, भैया भी जैसे घर पे नहीं है मायरा रानी का। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी थी, तो कुछ बर्तन थे, तो चलिए फटाफट से इनको मैं धुल देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सारा काम है जो मेरा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद सुबह जैसे मॉर्निंग में मैंने पर्दे वगैरह धुले थे ना, ये तो ये भी मतलब अच्छे से सूख गए थे, तो इनको भी मेरे को ना लगाना था, तो मैं सारे पर्दों को छत से मतलब उतार करके नीचे ले आई हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं इनको लगा दूंगी। तो मैं देख रही थी भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि इनमें ना 2 छोटे वाले थे और 4 है जो वो बड़े वाले थे, तो मैं इनको ना देख रही थी भी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं इन चारों पर्दों को यहाँ पे सेट कर देती हूँ फटाफट से। और मायरा रानी आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड पे से अपने आप से उतर गई है, और बोल रही थी मेरे को बाहर जाना है, क्योंकि एक दो बच्चे जैसे खेल रहे थे ना बाहर इधर उधर, तो इसका भी मन कर गया अभी बाहर जाने का, मेरे को बाहर खेलना है। तो फिर मैंने इसको ना बाहर उतार दिया था, बाहर सीढ़ियों से, ताकि आराम से खेल ले, क्योंकि सामने आंटी बैठी थी तो वो अपना देख लेती है, क्योंकि उनका बेटा जैसे खेल रहा था ना, तो इसका मन है ना इसलिए कर गया था बाहर जाने का। और यहाँ पे भाई मैं फटाफट से लगा देती हूँ पर्दे, अंदर वाले भी मैंने लगा दिए, बाहर वाले भी, तो सारे पर्दों को फटाफट से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो बाहर वाला रूम है ना, तो इसमें जैसे पर्दे वगैरह लगाती हूँ तो मतलब डल तो आराम से जाते हैं, लेकिन जैसे बीच में जो ये बल्ब है ना, तो इसमें एक तो मेरा हाथ नहीं जाता है, थोड़ी सी हाइट छोटी थी, तो बड़ी मुश्किल से ना मेरे को ये पहले तो बल्ब निकालना होता है, फिर इसको लगाना होता है, फिर पर्दे साइड में करने होते हैं, तो मतलब थोड़ी सी मेरी हाइट छोटी रह गई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ना इसको मतलब अच्छे से सेट किया है। तो अंदर वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर वाले तो आराम से लग जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी है ना मतलब बाहर वाले सेट करने में, मतलब लगते हैं। और लगाने के बाद आप यहाँ से ना व्यू देख सकते हो, मतलब कितना प्यारा कितना सुंदर लगता है पर्दे वगैरह लगाने के बाद। तो आप कहीं पर भी मतलब अपने रूम की अगर हम डेकोरेशन बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप पर्दे इस्तेमाल कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर हम पर्दे लगाते हैं, और उसके बाद है ना लुक है जो रूम का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है हमारे का। तो जी, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, तो मायरा रानी खेल रही थी, तो इस वजह से मैं आ गई थी बाहर। और मम्मी का भी फ़ोन आया था, अभी आ रहा है लड्डू अपने ताऊजी के साथ, अगर फ़ोन आए तो उठा लेना। तो इसलिए मैं बाहर बैठी थी कि लड्डू आएगा लड्डू आएगा, लेकिन पता नहीं मतलब फ़ोन पे बात हुई होगी तो मेरे को नहीं पता तो कैसे क्या हुआ, लेकिन वो अपने ताऊजी के साथ तो आया नहीं, लेकिन अपने पापा जी के साथ आया, शाम को आया, वो लेट आया काफ़ी, रात को मतलब 9 बजे करीब। मम्मी तो बोल रही थी 7 बजे तक आ जाएगा, लेकिन फिर ताऊजी के साथ शायद कैंसिल हो गया, तो फिर वो पापा जी के साथ ही आया था। तो फिर हम तो भैया आराम से बैठे थे गली में, खेल रहे थे कि भैया आएगा भैया आएगा, लेकिन वेट कर करके फिर लास्ट में फ़ोन किया ना, तब पता लगा भाई वो तो अपने पापा जी के साथ ही आ रहा है। तो यहाँ पे आज इस वजह से ना हम पार्क वगैरह भी नहीं गए, सिर्फ आज तो ना गली में ही खेले। जब ये आई थी नीचे खेल के थोड़ी देर, और आते ही बस ये थोड़ा सा इसको मैंने दूध पिलाया चम्मच कटोरी के साथ, और फिलहाल अब ये ना सो गई है, इसको आई थी नींद, ये सुबह ही सोई थी, मतलब 11 से 1-2 बजे तक ही सोई थी, उसके बाद नहीं सोई, इस वजह से ना ही आज जल्दी सो गई। लेकिन अभी ये इस टाइम सो चुकी है, 7 बजे का टाइम है, तो ये मेरे को ना रात को बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, तो मैं नहीं चाहती थी कि सोए, तो फिर ये सो गई है, तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी कर लेते अपना खाना वाना बनाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि लड्डू का मन नहीं लगा ताऊजी के घर पे, वो मतलब घर आने वाला है, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं आ जाएगा। और इनके पापा जी भी सुबह गए थे ना, मतलब कुछ काम से गए थे, तो वो भी अभी आने वाले ही है, तो इस वजह से मैं कर देती हूँ खाना वाना बनाने की तैयारी, इतना आएगा इतना अपना खाना वाना मैं जो बना के रेडी शेडी कर लेती हूँ। मैं फिलहाल सो रही है मायरा रानी, तो चलिए बना लेते हैं। और मेरे को बनानी है आज दाल, मूंग की दाल मैं बनाऊँगी और रोटियाँ बनाऊँगी, तो चलिए चलते हैं फटाफट से किचन में। तो जी, यहाँ पे मैं मायरा रानी को सुला के किचन में आई थी, और ये बर्तन वगैरह धुले थे ना, तो इनको मैं फटाफट से सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे को बनानी थी आज दाल की, दाल बनानी थी मूंग वाली, तो उसको सिर्फ है ना मैंने धुल के ही रखा था और पानी डाल दिया था ताकि अच्छे से फूल जाए। तो पानी डालने के बाद अगर हम जैसे बनाते ना थोड़ी देर रख देते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है, चावल हो या दाल हो। और उसके बाद सिर्फ मैंने ना आटा मतलब छाना ही था, और तभी ये जो मेरी मायरा रानी है उठ चुकी थी। क्या
होता है कि बच्चे जैसे उठ जाते हैं तो फिर इनके साथ ही हमारा ना बहुत सारा टाइम है जो लग जाता है ना, तो ये खेलते और ना किसी के पास जाते, तो इस टाइम पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर हम काम करते रहते ना तो हमारा काम है ना फटाफट से मतलब हो जाता है, लेकिन जैसे हम काम करते हैं ना तो बीच में बच्चे जो होते हैं ना परेशान कर देते हैं, तो इस सिचुएशन में ना तो फिर काम मैनेज करना ना थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है। मुश्किल तो क्या लगता है, बस कभी कभार बच्चे हो जाते हैं ना ये मतलब टेप टाइप हो जाते हैं, तो फिर ये ना किसी के पास नहीं जाते, तो इनको ना मम्मा ही चाहिए होती है। तो फिर मैंने इसको गोदी में लिया, टहलाया इधर उधर काफ़ी देर, आधा घंटे के करीब, उसके बाद लास्ट में जाके फिर ये सो गई थी, तो उसको फिर मैं दोबारा से सुला करके बाहर आ गई थी। और मैंने आके ना सिर्फ बाहर आटा ही लगाया था, और तब भी उसके बाद फिर से मैडम जी है ना फिर से मतलब उठ गई थी, तो फिर है ना फिर मैंने सोचा चलो भैया भी इसको सुलाती नहीं, तो थोड़ी देर मतलब इसको सोना था तो ये सो गई है, और बस इसकी इतनी सी नींद होती है तो थोड़ी देर सो जाती ना तो फिर इसको अच्छा लगता है, अगर ये थोड़ी देर नहीं सोती ना तो फिर ये चिड़चिड़ी हो जाती। तो यहाँ पे ना सो भी गई थी, और ज़्यादा मैंने इसको जानबूझ के नहीं सुलाया, क्योंकि फिर अगर अभी इस वक्त ये सो जाती ना 7:30 बजे का जैसे ये टाइम था, तो फिर ये रात को ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो इस वजह से मैं ना इसका सोना स्किप ही करती हूँ। लेकिन होता है ना बच्चे भाई 15-20 मिनट सो जाते हैं तो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही सोने दिया था। और यहाँ पे भाई फटाफट से जो है यहाँ पे रोटियाँ वगैरह मैंने बना दी थी, और यहाँ पे दाल मैंने रख दी थी, दाल भी मेरी मतलब बन गई थी, छोंक की तैयारी मैंने कर दी थी, और पापा जी का इनका फ़ोन आ गया, तभी आ गए हम, तो मैं पानी वानी अपना ले आई थी नीचे ही, तो उसके बाद लड्डू भी आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था ये घर आने के बाद। बर्गर लेके आया तो जी यहाँ पे ना लड्डू आ गया था, और ये लेके आया था शाम को आते वक्त बर्गर लेके आए थे पापा बेटा, और यहाँ पे बोल रहा था मम्मा आप बैठ जाओ, और ये क्या होता है कि इन दोनों का दोनों भाई बहन जैसे बैठ जाते ना तो इनकी झगड़ा जो है वो थोड़ा प्यार भरा वो शुरू हो जाता है, एक बच्चा जो जिद करता है वही वो दूसरे वाला करता है, तो इनका ऐसे ही मतलब चलता रहता है। तो भाई यहाँ पे बर्गर वगैरह खाने के बाद तो हम जैसे बैठ गए थे आधा घंटे के करीब बातें की, और उसके बाद मतलब यहाँ पे अपना खाना वगैरह था, जो मतलब बर्गर खाने के बाद इतनी ज़्यादा एकदम से भूख नहीं लगती, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे भी अपना खाना लगा रही थी ताकि जितनी ज़्यादा भाई भूख अपना खा लिया जाए। तो यहाँ पे हमारी जो थाली है वो बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए फटाफट से अपना यहाँ पे खाना खा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं। और बच्चे जैसे कैसे कूद के आते हैं, जैसे कुछ भी इनको खाने की चीज़ जैसे दिखाई देती है ना तो एकदम से कूद के आते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं भी मम्मा पता नहीं क्या लेके आई है। और उसके बाद फिर से भाई मैं आ गई थी किचन में, और फिर से मतलब किचन में आने के बाद आधा पौना घंटा तो भाई हमें आराम से लगता है सारे बर्तनों को क्लीन करने में, गैस को, काउंटर टॉप को, तो सारी चीज़ों को क्लीन करने में आधा मतलब 30-45 मिनट है ना आराम से लग जाती है। तो भाई यहाँ पे सारा काम है जो नाइट का तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, और अभी 10:30 बजे ही थे और मैं 10:30 बजे ही फ्री हो गई थी। और यहाँ पे जो बॉटल में दूध में ले आई थी लड्डू के लिए, क्योंकि इसको पीना था, अभी नहीं पिएगा ये, बाद में फिर बोलेगा, जैसे मेरे को नींद आनी स्टार्ट होती है ना तभी बोलेगा मम्मा दूध दूध दो, तो इस वजह से ना मैं पहले ही ले आई डाल के, ताकि मेरे को बाद में ना उठना पड़े। अभी फिलहाल ये मस्ती कर रहा था अपने पापा जी के साथ, फिर आने के बाद मेरे साथ इसकी मस्ती शुरू हो जाती है, तो सोने में तो ये 11:30 ही बजाते हैं, तो ये नहीं होता कि बच्चे एकदम से सो जाते हैं, तो इनके बच्चे के साथ वही ऐसा ही चलता रहता है, तो खेलते रहते हैं बस बेड पे ही। और उसके बाद हम यहाँ पे भाई सो गए थे, नाइट हो गई थी हमारी। और हेलो गाइस, मेरी प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी। और कुछ बोलना है? नहीं। और नहीं बोलना, गुड नाइट कहते हैं अब। गुड नाइट। जी अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मिल रही हूँ आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और दिन है आज बुधवार का तारीख है आज 5 जून, तो सुबह 5:30 बजे का टाइम था, और मैं फटाफट से उठ गई थी और फटाफट से अपना मुंह हाथ धोया, और उसके बाद मेरे को जाना था दूध वगैरह लेने के लिए, तो उससे पहले लड्डू भी जैसे उठ चुका था मेरे साथ ही, तो उसको मेरे को ना दूध वगैरह जैसे देना होता है, बच्चे होते हैं तो मतलब जैसे सोते हैं ना तभी हमारे काम मतलब खत्म होते हैं, और उठते ही मतलब फिर मतलब शुरू हो जाते हैं। कई बार तो ना सपने में भी ऐसे ही लगता रहता है भाई ये करना है, तो कई बार नींद भी नहीं आती, तो ऐसा होता है कई बार। तो भाई उसके बाद चलिए फटाफट से अपना जो दूध है अपना ले आते, और मैं आ गई थी बाहर, और गली में हमारे अभी फिलहाल है ना बिल्कुल सुन सपाट है, मतलब कोई नहीं था यहाँ पे, इस वजह से मैं बाहर आके अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ। और अभी आ गए थे मैं मेन रोड पे, तो बाहर आके अंदर जाके मतलब फिर हम मेरे को ना दूध लेके आना होता है, और यहाँ पे आ गई थी मैं दूध लेने के लिए, और आंटी जी सामने मतलब
खड़ी है तो कुछ काम कर रही थी, तो अभी आंटी जी ही मेरे को ना फटाफट से दूध दे देती और उसके बाद मैं चल देती हूँ घर पे। भाई जैसे ही मैं घर आई और घर आते ही मायरा रानी भी उठ चुकी थी, तो फिर उसको सुलाया। फिर मतलब बच्चे ये होते जैसे उठ जाते हैं ना फिर एकदम से नहीं सोते, तो उनको सुलाने में ना फिर टाइम लग जाता है हमारा। तो फिर मैं अभी 10-15 मिनट के लिए लेट गई थी और उसके बाद अभी ना फिलहाल जैसे 6:30 बज गए थे और मैं आ गई थी फिर फटाफट से छत पे। बस थोड़ी सी देर टहल ली क्योंकि काम है जो स्टार्ट तो करना ही था, तो बस थोड़ी सी नींद भगाने के लिए इधर उधर टहल ली क्योंकि अभी तक है जो मैं नींदों में ही अपना जो काम कर रही थी। तो उसके बाद चलिए अभी फटाफट से अपना जो घर की क्लीनिंग वगैरह अपनी स्टार्ट हो जाती है, झाड़ू लगाना पोछा लगाना, तो बस यही मतलब काम रहता है। सुबह हो दोपहर हो शाम हो तो ऐसे ही मतलब चलता रहता है। और तो चलिए फटाफट से भी लगा लेते हैं यहाँ पे झाड़ू। और मैं ऊपर वाला जो रूम है तो यहाँ से ही मैंने अपना स्टार्ट किया, तो अंदर से बाहर से और अच्छे से यहाँ पे भाई झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी। और सारा कचरा है जो मैं अभी इसमें पॉलीथिन में डाल के रख दूंगी क्योंकि अभी जो है कूड़े वाले अंकल जी है ना वो आएंगे तो उनकी रेडी में मतलब डाल दूंगी फिर इकट्ठा करके सारा। तो उनके आने से पहले सारा जितना भी कचरा है मैं सारा मतलब इकट्ठा कर लूंगी। और अच्छे से यहाँ पे मैंने छत को धुल दिया था और उसके बाद चलिए अभी आ गई थी नीचे, अच्छे से यहाँ पे भी झाड़ू लगा देते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे अंदर बाहर बाल मतलब गली में भी सारे जगह अच्छे से यहाँ पे भाई मैं झाड़ू अपना लगाती हूँ। तो जी झाड़ू लगाने के बाद चलिए फटाफट से यहाँ पे अपना पोछे वगैरह मैं लगा लेती हूँ। तो अंदर वाले रूम में और बाहर वाले रूम में अच्छे से मैंने यहाँ पे जो पोछा है अपना लगा दिया था और नीचे का जितना भी मेरा काम था कंप्लीट हो चुका था और सारा घर साफ सुथरा था। इतनी ज्यादा गंदगी भी नहीं थी क्योंकि मैंने ना गेट अपने जो बंद करके रखे थे तो इतना ज्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा था आज क्लीनिंग करने में कि और बच्चे भी नहीं थे कल, तो इस वजह से सारा घर है ना साफ सुथरा ही था। बच्चे होते तो बच्चे फैला देते हैं, बच्चों के साथ ही काम बढ़ता है, बच्चे नहीं होते तो सारा घर ऐसे ही साफ सुथरा मतलब नजर आता है, तो इतना ज्यादा फिर काम मतलब होता भी नहीं है, बच्चों के साथ ही मतलब काम रहता है। और यहाँ पे अंकल जी आ गए थे कूड़े वाले, तो अभी मैंने बाहर कचरा है जो सारा डाल दिया था और डस्टबिन को मैं अंदर ले आई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे अपना नहाने धोने के बाद आज जो मैंने अपना सिर वगैरह भी अपना अच्छे से यहाँ पे धुल लिया था। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मैं बालों को भी अभी ना मतलब अभी सुलझा लेती हूँ क्योंकि ना मेरे को बाद में ना टाइम नहीं लगता कंघे करने का। तो मैं अभी जैसे सिर धुला था ना तो अभी मैं अपने बालों को अच्छे से कंघे करके सारे बालों को यहाँ पे ना सुलझा लेती हूँ। और उसके बाद जी सूर्य देवता को सूर्य भगवान जी को यहाँ पे मैंने अच्छे से जल दे दिया है और यहाँ पे जो मेरी पूजा पाठ है सुबह की वो भी अपना कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस बज चुके हैं 8 और सारा काम मेरा हो चुका है, पूजा पाठ साफ सफाई का पोछा झाड़ू साफ सफाई पूजा पाठ जितना भी मेरा काम है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, अभी बस इसमें उबाल आ रहा है और साथ ही अभी मैं उठाऊंगी बच्चों को। तो जी यहाँ पे जो मेरी चाय अच्छे से बॉयल हो गई थी तो इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए। और उसके बाद मैं आ गई थी अंदर बच्चों को देखने के लिए और अभी जो है ना घोड़े बेच के सो रहे है तो अभी ना मेरे को इनको उठाना है क्योंकि अभी टाइम 8 बज गए थे तो फिर काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं उठने में, 8:15 बजा ही देते हैं तो मैं 8:30 बजे तक मैक्सिमम है ना इनको उठा ही देती हूँ। और तीनों देख सकते हैं आप तीनों जने मतलब कितने मजे से सो रहे हैं। और यहाँ पे जो मेरी वही चाय है वो भी मतलब बनकर रेडी हो गई है, तो मैं डबल रोटी और बिस्किट लेके आई थी अभी, तो चलिए फटाफट से चाय के साथ अपना ले लेते हैं आज। और बिस्किट को देख के ना बच्चे तब उठते हैं, इतना नहीं उठते, इतना मैं चाय लेके नहीं आती ना इतना तो तीनों में से कोई नहीं उठता है। और जैसे ही चाय लेके आई तो दोनों भाई बहन तो ये फटाफट से उठ के आए, पता नहीं मम्मा जैसे क्या लेके आई है। और लास्ट में इनके पापा जी उठते हैं तो इनको ना इतना चाय ना दूँ ना तो इतना तो ये उठते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मेरे को ना इनको उठाना होता है। और मायरा रानी है आप देख सकते हैं यहाँ पे मजे से आगे बैठ गई है मेरी गोदी में, उसके बाद लड्डू आगे बैठ गया है, बच्चे तो मतलब ऐसे ही होते हैं सो क्यूट। बंदा है इसको भी मम्मा गोदी में बैठना था, वो उधर जाके खड़ी हो गई मानी तो जी चाय वगैरह हमने मॉर्निंग की अपना पी ली थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और मेरे किचन में आने से पहले मेरे बच्चे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, इनको पता लग जाता है ना भाई मम्मा मतलब किचन में काम करने वाली है, तो सबसे पहले लड्डू बोलेगा मम्मा मेरे को स्लेब पे बिठाओ। और उसको देखने के बाद मायरा रानी फिर से बोलेगा मम्मा मेरे को भी बिठाओ, तो ये मेरे मतलब जैसे ही मैं आई ना इनको दिख गया अभी मम्मा किचन में आई है तो ये तभी की तभी मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। और अभी मैंने इनको यहाँ पे बैठाया आराम से और साथ में मैं कर रही थी यहाँ पे सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी, तो आज मतलब मेरे को ना पनीर की सब्जी बनानी थी तो उसी के लिए यहाँ पे ना मैं प्याज टमाटर को पीस रही थी मिक्सी में उनकी उसके लिए मतलब कट कर रही थी,
तो फटाफट से बन जाती है ग्रेवी। मतलब यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी और इनके पापा जी अभी नहाने के लिए अपना गए हुए थे, फ्रेश वगैरह होना, नहाना धोना, और उसके बाद ये अपना चले गए थे बाहर क्योंकि वो लेके आना था पनीर। तो इस वजह से, तो बच्चे इस वजह से यहाँ पे बैठे थे और सब्जी वगैरह यहाँ पे ग्रेवी है जो मैंने बना करके रख दिया ताकि इसमें अच्छे से बन जाए, और उसके बाद साथ ही साथ मैं अपना वही आटा वगैरह है वो अपना लगा लेती हूँ। तो ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें जो मैनेज करके चलनी होती है। तो बच्चों को अगर मैं ज़बरदस्ती नीचे बैठाते ना तो फिर ये रो रो के ना बुरा हाल कर देते हैं, तो इस वजह से ना इनको यहाँ पे बैठाना होता है। मतलब मजबूरी कहते हैं ना, मजबूरी का नाम गांधी है, तो इस वजह से ना इनको बैठाना पड़ता है, वरना तो मैं इनको लगा मतलब चाहूँ तो अभी मिनटों में इनको नीचे उतार दूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर ये इतनी देर रोते भी है। तो यहाँ पे भाई फटाफट से साथ साथ मैंने अपना आटा वगैरह लगा लिया था और उसके बाद दोनों भाई बहनों को मैं थोड़ा थोड़ा आटा दे देती हूँ और बहला फुसला के इनको मैं ना नीचे बिठाऊँगी, और उसके बाद ये आटे से ना कुछ एक्टिविटीज़ मतलब करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम है जो अपना ये खेल में लगे रहते हैं। तो जी यहाँ पे दोनों भाई बहन अपना खेल रहे थे और मेरे थोड़े से ना बर्तन हो गए थे सिंक में, तो फिर मैंने सोचा चलो भाई लगे हाथ इनको भी मैं फटाफट से अपना धुल देती हूँ, और उसके बाद भाई फटाफट से रोटियाँ भी मैंने सेक दी थी। तो जितना मेरे से होता ना भैया फटाफट ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, क्योंकि ना इस टाइम में ना मतलब सामने जैसे खिड़की है ना और सूर्य भगवान जैसे आते ना तो सीधी मतलब धूप है जो मतलब आती है रसोई में, और बाद में ना रसोई में जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसके बाद ना बिल्कुल भी खड़े होने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता रसोई में। तो होता है ना भाई ठंड ठंड में अपना सारा काम है जो मतलब निमेट ले, तो खिड़की में से सामने से ना सीधे बहुत तेज से धूप आती है, और यहाँ पे जो मेरी ग्रेवी है वो भी बनकर तैयार हो गई थी और हस्बैंड जी ले आए थे पनीर। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे ना लास्ट में ही मतलब मैं पनीर डालती हूँ और जो पनीर की सब्जी मेरी बनकर तैयार हो गई है, और यहाँ पे फटाफट से फिर मैंने टिफिन भी लगा दिया था इनके लिए, और अभी फिलहाल अपना ऑफिस के लिए निकल दिए हैं और बच्चे भी आ गए थे साथ में नीचे, तो पापा जी को ये अपना यहाँ पे बाय बाय अपना कर रहे हैं। और उसके बाद काम मेरा हो ही गया था, रोटी सब्जी बर्तन किचन की साफ सफाई, तो वो इतना सारा मैं अपना कर आई थी, और उसके बाद है ना मैं नीचे आ गई थी बच्चों को लेके, तो ये ना अपना आराम से खेल रहे थे बाहर। हाँ सो गाइस फाइनली अभी हो गई हूँ एग्जैक्ट मैं फ्री, और ज़्यादा टाइमिंग नहीं हुई सा मतलब 12 ही बजे है अभी, और बच्चे अभी नीचे खेल रहे थे तो उनको उसके बाद ना मैं इनको ले आई थी ऊपर, उनको नहला धुला के अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ और सारा काम है जो टोटली मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मायरा रानी है अभी सो गई है देख सकते हो आप यहाँ पे, और लड्डू है ये अभी दूध की बोतल के साथ खेल रहा है, पी ले इसको, पी ले बेटा इसने, ऐसे नहीं करते, पी ले इसको, पिटाई कर दूंगी देख ले, फिर डुडू पी ले, अर्निंग नहीं करेगी फिर आपा है गंदा बच्चा, दूध पी ले। तो सो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा तो चलता रहता है, मेरा तो मेरा बच्चों के साथ। तो मायरा रानी को मैंने नहला दिया था और ये अभी ना अपना खाना वगैरह मैंने इसको खिला दिया है, दही इसने खाई थी और अब ये सो चुके, इसका अच्छे से पेट भर चुका है। और लड्डू को भी मैं अभी फिलहाल सुलाऊंगी, सो गया तो ठीक है, नहीं तो मतलब मेरे साथ ऐसे ही होता, अगर एक बच्चा सोता है तो दूसरा नहीं सोता, तो अभी ये सो गई है और जब इसकी नींद पूरी हो जाएगी तो उसको नींद आने लगेगी, तो वो सोएगा तो ये नहीं सोएगी, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके साथ हम अपने व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ यहीं पे, आई होप कि आप सभी को पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा बाय बाय।